हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी लाई हूँ। मैं आज आपको जो रेसिपी शेयर करूँगी वो है कि टूटी फ्रूटी आप घर पे इजीली कैसे बना सकते हो और क्या से बना सकते हो। आपने सही सुना, टूटी फ्रूटी और घर पे, तो वो कैसे और वो क्या से बनेगा? तो वो बनेगा वाटरमेलन के जो वेस्ट पार्ट होता है, यानी कि उसके छिलके से। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे बना सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो यहाँ पर मैंने कुछ वाटरमेलन के छिलके लिए वेस्ट वाले, उसे मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश किया है। उसके बाद हमारे जो इसके ग्रीन पार्ट्स है वो हम अलग कर देंगे, निकाल देंगे, और जो वाइट पार्ट्स हैं सिर्फ उसका हमारा टूटी फ्रूटी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने अलग करके ऑलरेडी रखा हुआ है। और उसके बाद हमें अच्छे से चॉप कर देना, आपको जो साइज़ का टूटी फ्रूटी चाहिए उस हिसाब से आप अपने हिसाब से कटिंग कर लो। तो मैंने यहाँ नॉर्मली चॉप्ड किया हुआ है, आपको जो साइज़ का चाहिए आप वो कर सकते हो। तो अब हम इसे बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी बॉईल होने के लिए रखा है, और साथ में ही हमारे जो चॉप करके टूटी फ्रूटीज मैंने रखे हैं जिससे हम बनाएंगे, वो हम इसमें डाल के बॉईल कर देंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे मैंने पानी में डाल दिया और इसे अच्छी तरह से हमें बॉईल करना है। तो जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा, अराउंड 5 मिनट्स के बाद हम इसे छान लेंगे। सो ये ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से स्ट्रेन कर देते हैं। सो अब मैंने यहाँ पे एक अलग से पैन लिया, उसमें मैंने यहाँ पे डाल रही हूँ 1 कप चीनी, और साथ ही में मैं 1.5 कप पानी डालूँगी और इसे अच्छी तरह से बॉईल करूँगी। हमें चाशनी बना लेनी है। तो यहाँ पे मैंने चीनी और पानी डाल के इसे अच्छी तरह से बॉईल करूँगी ताकि अच्छा शुगर सिरप बन जाए। ऑलमोस्ट ये मेल्ट होने लग गया है हमारा शुगर। तो अब हम इसमें टूटी फ्रूटी जो बॉईल करके हमने रखा था वो डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और फिर से अराउंड 5 मिनट्स के लिए हम इसे चाशनी में हल्का बॉईल करेंगे ताकि जो सारा शुगर है, स्वीटनेस है, वो हमारी टूटी फ्रूटी एब्जॉर्व कर ले। तो यहाँ पर ये बॉईल हो रहा है, तो ये भी ऑलमोस्ट हो चुका है अच्छी तरह से बॉईल। यू कैन सी कि कितनी अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है। तो अब हम इसे कलर में मिक्स करेंगे। तो मैंने कुछ 3 कलर लिए क्योंकि मेरे पास इतने ही कलर थे, ब्लू, रेड एंड ऑरेंज। तो हमारे जो टूटी फ्रूटी चाशनी में बॉईल हो गए थे वो हम इसमें तीनों में डालेंगे। और ये आप देख सकते हो कि ये चाशनी में जो बॉईल होने के बाद हम इसमें फूड कलर डाले, तो ये ऑलमोस्ट उसी कलर का हो गया है। तो अब हमें क्या करना है कि इसे ऐसे ही कलर में डाल के हमें फ्रिज में रखना है अराउंड 2 आवर्स के लिए। उसके बाद हमें इससे जो इसका एक्स्ट्रा वाटर है वो निकाल के हमें धूप में रखना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हमारी जो टूटी फ्रूटी है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। मैंने सारे टूटी फ्रूटीज को धूप में सुखा दिया था और फिर इसे मैंने मिक्स कर दिया एक बोल में एक साथ, तो ये बिल्कुल रेडी है। गाइस, आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।